हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग माई सेल्फ हरशिदा पनारा टूडे वी विल स्टडी अबाउट थर्ड यूनिट ऑफ अन डाइवर्सिटी ऑफ अनयूजल प्रोकेरियोर्स वह यूनिट आज हम स्टडी करेंगे स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे टोटल फाइव टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं स्टार्ट विथ फर्स्ट थ्री पॉइंट वन बैक्टेरिया विथ अनयूजल मोरफोलोजी वो हमारा मेन टॉपिक है उसके अंदर हम थ्री सब पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे सेकंड है थ्री पॉइंट टू बैक्टीरिया वर्थ ग्लीडिंग विथ ग्लीडिंग मोटिलिटी उसका मतलब क्या होता है जो बैक्टीरिया होता है उसके पास मोटिलिटी है कुछ बैक्टीरिया है वो मोटाइल होते हैं कुछ बैक्टीरिया अनमोटाइल होते हैं तो जो मोटाइल ऑर्गेनिज्म है उसके पास कुछ तरह के ऑर्गेनिल्स होते हैं या हम कह सकते हैं कुछ उसके बॉडी पार्ट होते हैं जिसकी मदद से वो मोटालिटी हो सकते हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं तो उसके बारे में हम थ्री पॉइंट टू में पढ़ेंगे थर्ड वन है रेकेशिया एंड क्लाइमेडिया वो टू तो, टाइप के ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे फोर्थ वन है आर्क्योबैक्टेरिया वो भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे उसका इम्पोर्टेंस क्या है उसका फंक्शन क्या है वो सब हम उसमें स्टडी करेंगे फिफ्थ वन है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है वो हमारी लाइफ में किस तरह से इम्पोर्टेंट या कोई भी इंडस्ट्री है या हमारी लैब है उसमें हम उसका क्या यूज़ कर सकते हैं वो सब हम लास्ट टॉपिक जो हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें हम स्टडी करेंगे स्टार्ट विथ अनयूजुअल मॉर्फोलॉजी। तो बैक्टीरिया विथ अनयूजल मोर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी का मतलब सबको पता ही होता है मोर्फोलॉजी क्या होता है वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं मोर्फोलॉजी इंक्लूड साइज सेफ एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया तो आप सबने फर्स्ट सेमेस्टर में वो पढ़ लिया होगा अनयूजल का मतलब क्या होता है जो नॉर्मल नहीं है वो अनयूजल में आते हैं अनयूजल मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टेरिया वो बैक्टेरिया जिसकी मोर्फोलॉजी नॉर्मल नहीं है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ब्लि बर्डिंग एंड अपनडेजिस बैक्टेरिया बर्डिंग का मतलब क्या होता है वो एक तरह का रिप्रोडक्शन है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसमें ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर उसकी सरफेस के ऊपर दूसरा बर्ड फॉर्म होता है और वो बर्ड मैच्योर होता है और धीरे धीरे जब वो मैच्योर हो जाता है तो अपने जो अपने मदर सेल सेपरेट से हो जाता है और वो इंडिविजुअल सेल के तरह फिर अपनी लाइफ जीने लगता है और जो अपेन्डेजिस का होता है वो क्या होता है कि वो बैक्टीरिया को कोई भी सरफेस के साथ अटैचमेंट करने में हेल्प करता है तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसमें हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया को अटैचमेंट के लिए और उसका जो रिप्रोडक्शन है बर्डिंग वो ऑर्गेनिज्म जिसका बडिंग से रिप्रोडक्शन होता है और उसके पास अपनडेजिस है जिसकी मदद से वो दूसरी सरफेस के साथ अटैच हो सकते हैं तो इस ग्रुप में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं दे आर नॉन फोटोट्रॉफिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नॉन फोटोट्रॉफिक दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट यूज़ डायरेक्ट सनलाइट जो फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं वो सनलाइट की मदद से अपना जो फूड है वो बनाते हैं लेकिन जो नॉन फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्म है और नॉन फोटोट्रॉफिक है बैक्टीरिया कैरेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्थेक्ट और स्टॉक बाय द रिप्रोडक्शन मोड ऑफ बर्डिंग जो बर्डिंग और अपेंडेजिस बैक्टीरिया है इस ग्रुप में जो भी बैक्टीरिया आता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी एक तो वो नॉन फोटोट्रॉफिक हो गए जो दूसरों पर डिपेंड करते होंगे वो खुद से अपना खाना नहीं बनाते होंगे सेकंड वन क्या वो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है और थर्ड जो मेन होता है अपेंडेजिस उसमें क्या होता है वो प्रोस्थेकेट होते हैं और प्रोस्थेक्ट अथवा तो स्टॉक उसमें फॉर्मेट होता है जिसकी मदद से वो दूसरी सरफेस के साथ अटैच हो सकते हैं और उसका रिप्रोडक्शन मोड कौन सा होगा बर्डिंग रिप्रोडक्शन वो अपने सेल के ऊपर बर्ड फॉर्म करेंगे और वो बर्ड जब मैच्योर हो जाएगा तो वो पेरेंट सेल से रिमूव दूर हो जाएगा और न्यू सेल फॉर्म करेगा ध्यान एरोबिक टू माइक्रो एरोफिलिक टू फैकल्टेटिव एंड एरोबिक एरोबिक का मतलब सभी को पता है वॉट इज एरो एरोबिक दैट मीन्स इन द प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की हाजिरी में जो भी एक्टिविटी होती है हम उसे कहते हैं एरोबिक एंड एन एरोबिक का मतलब इन द एबजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये ग्रुप के ऑर्गेनिज्म क्या हो गए भी हो गए और माइक्रो एरोफिलिक माइक्रो दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू सर्वाइव दीन्स उसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी नहीं थोड़ा सा ऑक्सीजन होगा तो उससे भी वो सरवाइव हो सकते हैं और फैकल्टेटिव एंड एरोबिक एरोल्टेटिव एंड का मतलब क्या होता है यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दे कैन ग्रो इन बोथ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मोर्फोलॉजिकल सिमिलर टू फोटोट्रोफिक बैक्टेरिया जो इस ग्रुप के बैक्टीरिया है उसकी मोर्फोलॉजी डैट मीन्स उसकी साइज़ उसका सेप उसका स्ट्रक्चर और थोड़ा सा रिलेटेड है फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया से हमें आप यहाँ पे देखा कि इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म नॉन फोटोट्रॉफिक है बट उसकी मोरफोलॉजी है वो कहीं ना कहीं फ़ोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के साथ मिलती जुलती है तो उसमें हम फर्स्ट बैक्टीरिया स्टडी करने जा रहे हैं वो है हाइफो माइक्रोबियम तो कोकोइडल एंड फ्लैजिलेटेड बट मैच्योर इन टू ओवर ऑल बीन सेफ सेल जब हाइफो माइक्रोबियम ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉल होते हैं अभी मैच्योर नहीं है तब उसका सेप वो कोकाई सेप में होगा प्लस उसके पास फ्लैजिला होगा बट वैन इट मैच्योर है, जब इनमे तब कोडल होगी और उसके पास फ्लैजिलान दे आर मेच्योर उसका सेप कौन सा हो जाएगा ओवल सेप हो जाएगा और या फिर बीन सेप के हो जाएंगे तो प्रोस्ते वन और बोथ एंड ऑफ द सेल जो प्रोस्थिकाय होता है वो क्या होता है जो सेल वॉल अथवा तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको ही एक्सटेंशन करके सेल प्रोस्थेकाय बनाता है तो जो प्रोस्थेकाय होता है वो उसकी वन साइड अथवा तो और दोनों साइड में हो सकते हैं ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई एक ही साइड में होगा बर्ड आर सेपरेटेड वेन प्रोस्थिका मैच्योर जब प्रोस्टिका मैच्योर हो जाएगा तो बर्ड उनसे सेपरेट हो जाएगा और न्यू सेल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो बर्ड है वो कहाँ पे फॉर्मेड होगा प्रोस्टेका के ऊपर फॉर्मेड होगा वो सेल के ऊपर फॉर्म नहीं होगा जो प्रोस्टेका है उसके ऊपर बर्ड फॉर्म होगा हाइफोमाइक्रोबियम जीनस इज सिमिलर टू द रोडोमाइक्रोबियम जो हाइफो माइक्रोबियम ऑर्गेनिज्म है उसका जीनस किसके साथ सिमिलर होता है रोडो माइक्रोबियम। जो रोडो माइक्रोबियम ऑर्गेनिज्म है वो क्लोरोफाइल कंटेंट है उसके पास क्लोरोप्लास्ट है दैट मीन दे कैन मेक वन फूड उसे हम फोटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं जो हाइफो माइक्रोबिया है उसका जीनस उसके साथ रिलेटेड होता है यहाँ पे मोर्फोलॉजिकली रिलेटेड नहीं है दोनों का जीनस डेट मीन्स उसका जो डीएनए हो डीएनए है वो इस एक दूसरे के साथ मैच होता है उसकी मोर्फोलॉजी मैच होती नहीं है आइफो माइक्रोबियम आर फाउंड इन सोइल ऑफ ऑल कंटेंट्स एंड एकटिक एनवायरनमेंट जो आइफो माइक्रोबियम ऑर्गेनिज्म है वो हमें कहाँ पे मिलते हैं तो के सोइल के अंदर जो सोइल है होती है उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उससे इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम को कोई फर्क नहीं पड़ता है वो सभी टाइप की सोइल में मिल जाते हैं प्लस वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में भी हमें देखने को मिलते हैं जो सेकंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो है एंकेलो माइक्रोबियम एंकेलोमाइक्रोबियम द फैकल्टेटिव एन एरोबिक विथ थ्री टू एट लॉन्ग प्रोस्थेकाई पर सेल जो एंकेलो माइक्रोबियम है वो क्या होता है एन एरोबिक है डेट मीन्स दे आर नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन उसे ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है एन एरो है बट यहाँ पे है फैकल्टेटिव एन इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन इट प्रल्सो सूटेबल विथ ऑक्सीजन इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट दे कैन ऑल्सो सर्वाइव विद द थ्री टू एट लॉन्ग प्रोस्टिकाई पर सेल जो उसका सेल होता है यहाँ पे भी प्रोस्टिक जो उसका सेल होता है उसके सेल के ऊपर एट टू थ्री यानी कि थ्री टू एट लॉन्ग प्रोस्तिकाई हमें देखने को मिल जाएंगे बर्ड आर फॉर्मेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पोजिशन ऑन द मदर सेल नेवर फ्रॉम द प्रोस्तिकाई हमें जो अगला ग्रुप देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसमें क्या होता है जो आइफो माइक्रोबियम है उसकी प्रोस्तिकाई है उसके ऊपर बर्ड फॉर्म होता है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बर्ड है वो प्रोस्थिकाय के ऊपर ग्रो नहीं होगा वो डायरेक्टली मदर सेल है उसके ऊपर ही बनेगा और जब वो मैच्योर हो जाएगा तो मदर सेल से छूटकर इंडिविजुअल सेल सेल से ग्रो हो जाएगा तो यहाँ पे दोनों ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में यह डिफरेंस है राइट फर्स्ट वन तो वो क्या हो जाएगा उसके पास जब प्रोस्टेकाई है one, जो प्रोस्टेकाई नंबर ऑफ प्रोस्टिकाई वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइफो माइक्रोबियम सेकंड वन जो बर्ड फॉर्म होता है एंकेलो माइक्रोबियम में वो मधर सेल के ऊपर प्रोड्यूस होता है लेकिन इन हाइफो माइक्रोबियम में क्या होता है जो बर्ड सेल है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होगा प्रोस्टेकाई पे प्रोड्यूस होगा जीनस ऑफ एंकेलो क्लोराइस आर मोर्फोलॉजिकली रिसम्बल टू द एंकेलो माइक्रोबियम यहाँ पे जो एंकेलोक्लोरिस क्लोरिस है उसका जीनस किसके साथ मैच होता है हमारा जो ग्रुप है एंकेलो माइक्रोबियम इस दोनों इन दोनों का जीनस मैच हो रहा है इसकी मोर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं हो रही है जीनस है वो एक दूसरे का मैच हो रहा है हमारा थर्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो है किलोबैक्टर हमने दो स्टडी किया यह वाला थर्ड वन है मेंबर इन दिस जीनस है आइदर स्ट्रेट और रोड सेल द सिंगल प्रोस्टिका एंड दे आर एरोबिक इन नेचर जो हमारा किलोबैक्टर है उसका सेप कैसा होगा आइदर वो स्ट्रेट होगा या फिर सेप में होगा दोनों में से कोई भी सेफ में हमें मिल सकते हैं उसके पास ओनली वन प्रोस्टिका होगा ओनली वन प्रोस्टिका इफ यू कंपेयर दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद ऑर्गेनिजम विध द्रीवियस एल्केनोबैक्टेरियम <coughs> एल्केनोबैक्टेरियम में क्या होता है उसके पास थ्री टू एट प्रोस्टिका होता है लेकिन जो क्लोब एक्टर है उसके पास ओनली सिंगल प्रोस्टिका होगा और उसका नेचर क्या है एरोबिक

स्टोकेट सेल ऑफ़ डिवाइड बाय द इलांगन ऑफ द सेल फॉलो बाय बाइनरी फ्यूजन यहाँ पे जो स्टोकेट सेल है स्टोकेट सेल डेट मीन्स हमारा जो मेच्योर सेल होगा उसके पास फ्लेजिला होगा वो जब फ्लेजिलियम कंटेन सेल है उसे हम स्टॉक सेल कहेंगे स्टॉक सेल डिवाइडेड बाय द इलोंगेशन ऑफ सेल फॉर फॉलोड बाय बाइनरी फिजन जो हमारा फ्लेजिलम सेल है वो क्या होगा इलोंगेट होगा फिर उसका बाइनरी टाइप ऑफ सेक्शुअल असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा एंड अ सिंगल फ्लैजिलम फॉर्म एट द पोल अपोजिट द स्टोक जहाँ पे स्टोक होगा सेल का स्ट्रक्चर है हमें पता है यहाँ पे कौन सा सेप होगा रोड सेप होगा रोड सेफ सेल है तो एक्साइड से हमें स्टोक मिलेगा दूसरी साइड से हमें फ्लैजिलम मिलेगा दोनों एक्साइड नहीं होगे दोनों अपोजिट साइड हो गए जहाँ से स्टोक फॉर्म होगा उसकी अपोजिट साइड से फ्लैजिलम है वो फॉर्म होगा दोनों एक साथ फॉर्म नहीं होंगे तो फ्लेजिलेटेड सेल सो सेल आर स्वामर जब सेल में फ्लेजिला फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे फ्लैजिलेटेड सेल उसके पास अब फ्लेजिला है और उस सेल को हम बोलेंगे स्वामर सेल सेपरेट फ्रॉम द नॉन फ्लैजिलेटेड मदर सेल एंड इवेंचुअली अटैच टू न्यू सरफेस फॉर्मिंग न्यू स्टॉक एट द फ्लैजिलेटेड पोल द फ्लैजीला फ्लैजिलम इज धैन लॉस तो इसका जो क्लूलोबैक्टर है उसका डिविजन उसका फ्यूजन किस तरह से होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टोकेट सेल है उसके अंदर एप्लीकेशन होना स्टार्ट होगा जब उसके अंदर एप्लीकेशन होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा जो स्वामर सेल है स्वामर सेल से जो फ्लेजिलेटेड सेल है वो रिमूव हो जाएगा हम फिगर में देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेजिलम है यहाँ पे पिलाई है जो उसको मूवमेंट में हेल्प करेगी जो फ्लेजिलम वाला फ्लेजिलम वाला सेल है उसे हम क्या कहेंगे स्वामर सेल दैट मीन्स यह हमारा सेल है वो अभी स्वामर स्टेज में है उसका डिवीजन अभी नहीं हुआ है द सेल विच कंटेन फ्लेजिलम इज कोल्ड स्वामर सेल और द स्टेज ऑफ दिस सेल इज कोल्ड स्वामर स्टेज वेन स्वामर सेल स्टार्ट टू रेप्लिकेट तो क्या होगा जो स्वामर सेल है उसमें से फ्लेजिलम वो लॉस्ट हो जाएगा स्वामर सेल लॉस्ट और वन फ्लेजिलम एंड स्टार्ट टू सीक्रेट वन टाइप ऑफ केमिकल दैट कॉल्ड होल्ड फास्ट दिस केमिकल इज होल्ड फास्ट केमिकल एंड इट हेल्प्स टू स्टिक विथ अनदर सरफेस ऑफ सेल हम यहाँ पे जो फ्लेजिलम है वो रिमूव हो जाएगा वहाँ से हमें एक कंपाउंड सीक्रेट होगा जिसे कहेंगे होल्ड फास्ट ये कंपाउंड जब सीक्रेट होगा तब रेप्लीकेशन इनिशिएश होगा हमारा रेप्लीकेशन इनिशिएशन रेप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है वन डीएनए फ्रॉम अनदर फॉर्म डीएनए एक वन डीएनए है उसमें से हम नया दूसरा डीएनए फॉर्म करते उसे कहते हैं रेप्लीकेशन जब फ्लेजिलम रिमूव हो जाएगा वहाँ से एक कंपाउंड सीक्रेट होगा जिसे कहेंगे होल्ड फास्ट होल्ड फास्ट सिक्रेट होने के बाद उस सेल का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा अब हम इस सेल को कहेंगे स्टोकेड स्टेज और स्टोकेड सेल बिकॉज यहाँ पे अब फ्लेजिलम है नहीं तो हम इसे स्वामर सेल नहीं कहेंगे अब क्या होगा जहाँ से होल्ड फास्ट सिक्रेट होना स्टार्ट हुआ है वहाँ से एक नया ऑर्गेनिल्स प्रोड्यूस होगा जिसे हम कहेंगे स्टॉक ये स्टॉक वहां से प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और इस सेल को हम कहेंगे स्टॉकेट सेल अब यह सेल हमारा कौन से स्टेज में है स्टॉकेट स्टेज में है <coughs> जब स्टॉक फॉर्मेशन स्टार्ट होगा बाइन रेप्लीकेशन स्टार्ट होगा रेप्लीकेशन स्टार्ट होगा डेट मीन्स इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा एक बार वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया तो बीच में से हमारा जो ये सेल है वो बीच में से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वहाँ से हमारा सेल सेपरेट होगा तो जब रेप्लीकेशन स्टाफ हो जाएगा तो जिस साइड स्टोक फॉर्म हुआ है उसकी अपोजिट साइड फ्लेजिला फॉर्म होगा दैट मीन्स हमारे पास एक ऐसा स्टेज आएगा जब हमारे पास फ्लेजिला भी होगा और स्टोक भी होगा जब रेप्लीकेशन फिनिश हो जाएगा तब क्या होगा हमारा जो सेल है वो कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा जिसमें एक के पास एक सेल है उसके पास होगा फ्लेजिलम और दूसरे के पास होगा फ्लेजिलम सेल है वो फिर मेच्योर होगा और फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और जो हमारा स्टोक सेल है इसमें से जो केमिकल सीक्रेट होता है वो केमिकल का क्या फंक्शन होगा तो यह केमिकल के, इस सेल को दूसरी सरफेस पे अटैचमेंट होने में हेल्प करता है <tose of dogstem> तो यह हमारा स्टॉक सेल हो गया यह हमारा स्वामर सेल हो गया इस स्वामर सेल को मैच्योर होने के बाद इसका फिर से डिवीजन होगा इसमें से जब यह डि मैच्योर होने लगेगा इसका डिवीजन होगा तब फिर से यह फ्लेजिलम है रिमूव हो जाएगा और यहाँ से केमिकल सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे स्टॉक फॉर्म होगा स्टॉक वहीं पे भी उसी पोल्स में फॉर्म होगा जहां पे फ्लेजिलम था और उसकी अपोजिट साइड यहाँ पे दूसरा नया फ्लेजिलम फॉर्म होगा तो ये पूरी की पूरी लाइफ साइकल है फ्लोबैक्टेरियम की उसका बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका बाइनरी फ्यूजन हुआ है बर्ड फॉर्म नहीं हुआ है एट मीन यहाँ पे बडिंग नहीं हुआ है इसका बाइनरी फ्यूजन हुआ है और बाइनरी फ्यूजन कैसे हुआ है तो वो हमारा जो स्वामर सेल था स्वामर सेल उसका जो फ्लेजिलम है वो रिमूव हो जाएगा वहाँ से केमिकल सिक्रेट होगा वो केमिकल सिक्रेट होने के बाद उसके ऊपर स्टोक फॉर्म होगा और स्टोक फॉर्म होने के बाद जब रेप्लिकेशन एंड होने वाला होगा तभी दूसरे एंड पर फ्लेजिलम फॉर्म होगा और एक एंड पर स्टॉक होगा बाद में रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो हमारा सिंगल सेल है वो बीच में से डबल सेल में हो जाएगा बीच में से रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट होगा जिसकी मदद से हमारा सेल है वो दो अलग अलग सेल में सेपरेट होगा जिनमें से एक होगा फ्लैजिलम जिसको हम बोलेंगे फार्मर सेल और दूसरा होगा हमारा स्टोक वाला सेल जिसे हम बोलेंगे स्टोक सेल यहाँ से फिर से जब ये फ्लैजिलम सेल मैच्योर होगा यही साइकिल सेम रिपीट होगी <coughs> यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेल होता है उसके ऊपर यहाँ पे होल्ड फास्ट केमिकल सीक्रेट होता है और ये जो होगा वो हमारा स्टोक होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोक है और जिस सेल के पास फ्लैजिलम होगा वो हमारा स्वामर सेल होगा फ्लैजिलम है उसके पास तो उसका क्या बेनिफिट होगा वो इजीली मूवमेंट कर सकता है एक स्पेस से दूसरे दु, स्पेस में जाना है तो इजीली मूवमेंट कर सकता है इसका लोको मोशन में हेल्प करेगा तो हमने अभी थ्री ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टडी किए जो हमारे बडिंग दो हैं वो बडिंग बडिंग सिस्टम से रिप्रोडक्शन हो गए और एक जो हमें लास्ट में स्टडी किया वो बाइनरी फिजन से उसका डुप्लीकेशन अथवा तो और मल्टीप्लीकेशन होगा अभी हमें दो और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टडी करने हैं इसी में बर्डिंग और अपेन्डेजिस बैक्टीरिया में वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे आई होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर यू थैंक यू सो मच